फिर जी भर के लड़ लेना। लड़ा कभी जूती, मैं किसी निर्लज के मुंह नहीं लगती। क्या मुसीबत है, सुबह हुई के भाभी और माता जी खिड़क शुरू हो गई। देखो जी, अरे अब चुप भी रहो, क्यों बात बढ़ाती हो? हाँ, मैं ही बात बढ़ाती हूँ, तुम्हारी माँ के मुंह में तो जबान ही नहीं है। ये सारे झगड़े नकद नारायण के हैं, घबराओ नहीं। आज मैंने पूरा 2 तोले नौशादा डाल दिया है, अब के तो पूरा होतेगा। आग लगे इस लत को, सोना बनाने की धुन में घर फूक रहे हैं। अरे भगवान, देखती तो जा, ये तेरे पीतल के बर्तन भांडे सब सोने के न बना दूं तो धनपत राय नाम नहीं। बाऊजी का तो अब दिमाग चल गया है। आज स्टेशन पर लक्ष्मी को लेने कौन जा रहा है? लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? वही इनकी भतीजी। मेरी भतीजी क्यों होती? अपनी भतीजी मेरा सर थोपे देते हो? देखो जी, मुझे मेरे मैके भिजवा दो, यहाँ अपने खाने को नहीं उधर और मेहमान बुलाए जा रहे हैं। कौन मुझे बुला रही है मेहमान? बन गया सोना बाबूजी? अरे एक आज की कसर रह गई, नहीं तो घर में सोने के ढेर लग जाते। नमस्ते भैया जी, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। नमस्ते। जान पड़ता है हमारी चिट्ठी नहीं मिली भाभी। मिली थी, वो तूने लिखा तो था कि मेरा इरादा यात्रा को जाने का है। तो क्या हुआ, बहू तो रहेगी? मैं तो मैके जा रही हूँ बुआ जी। अरे अरे बात तो सुनो। अरे ये क्या है? देखो जी, या तो मुझे मेरा मैके भेज दो और या ऐसे अलग मकान लेकर रखो, मैं अपने बाल बच्चों का पेट काटकर इन एरो भरो पेट नहीं भर सकती। अरे इस बुढ़ापे में माता पिता को किस पर छोड़ जाऊँ? मेरी जाने ज्योति, मैंने तुम्हारे माता पिता का ठीका नहीं ले रखा है। तुम ही संभालो बुआ, इसे मेरी छाती पर छोड़कर कहाँ चली? नो और सुनो भाभी जी, तुम्हारे और भैया के होते हुए भला हम कौन इसके सगे वाले हैं? सगे वाले क्यों नहीं, वो तुम्हारे भाई के साले के भतीजी की बेटी जो हुई। और तुम्हारा भी तो फुफेरी बहन के मौसी की पोती है, तुम्हारा नाता तो बहुत पास का है। तुम्हारा भी नाता दूर का नहीं है बहन, इसकी माँ मरने वाली तुम्हारे हाथ में हाथ देने को कह गई थी, तो लो तुम ही संभालो इसे। अरे अरे क्या कर रही हो? चलो चलो जल्दी चलो। जाओ जी, खड़े देख क्या रहे हो? तुम सामान बांधो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। कहाँ चले जोगू बेटा? बस माँ, अब इस घर में गुजरना होगी, आखिर मैं भी तो बाल बच्चों वाला हूँ। अरे जगू, सुनता जगू बेटा, अच्छे भले घर को आग लगाने, ये अभागन कहाँ से आ मरी? पीले जिस तरह भी हो कुछ देर जीले,
अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। बस की तबाही के सामान हजारों है, दीपक तो अकेला है, तूफान हजारों है, तूफान हजारों है, बेकस की तबाही। वाह वाह वाह। नमस्ते मैडम लाल। नमस्ते। हाँ, आवाज पाई। ये मेरी आवाज नहीं है, श्रीकांत जी की कविता है। ओह। जब जिंदगी का बोझ उठाए नहीं उठता तो गीतों की दुनिया में खो जाती हूँ। श्रीकांत जी को तो आप जानते हैं ना? क्यों नहीं, बहुत अच्छी तरह। आप तो बड़े भगवान हैं, मैं शायद उनसे कभी नहीं मिल सकती। अरे मिल क्यों नहीं सकती हो, आपके बम्बई आने दो, मिलवा देंगे। सच? हाँ हाँ। अरे वो अपनी जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन है ना। हाँ? उसके आप सेक्रेटरी हैं। अच्छा। सुनो, वो हम लोग एक चैरिटी शो करने वाले हैं, उसमें एक गाना दे सको तो। गाना? खबरदार जो आपके तुझे गाते सुना, जूती तक वो मसल दूंगी। दीदी जी, नहीं दीदी जी, दीदी जी, दीदी जी। दुनिया भर का कूड़ा मेरे ही नसीब में लिखा है, हे भगवान अब तो मुझे मौत ही दे दे। इधर ये है जिन्हें अपने कीमिया से ही फुर्सत नहीं, और इधर ये जवान बेटा न काम का न धाम का, दिन भर ऐंठता है। क्या मुसीबत है, सुबह हुई और कान खाना शुरू कर दिए। काहे को अपना जी जलाती हो जग्गू की माँ? अरे बहना क्या बताऊँ, इस लौंडिया ने तो नाक में दम कर दिया है। तो फिर शादी करके इसका पाप क्यों नहीं काट देती? कौन इस मुईबी कारण से शादी करेगा? तुम कहो तो मैं बात करूँ। वो दीन दयाल जी है ना? अरे ओ लच्छो जी आई। दोनों हाँ। लड़कियों का तो भगवान की दया से ब्याह हो चुका है। जी दीदी जी। अरे दो पैसे के 500 ले आ। हाँ जरा उम्र ज्यादा है, फिर भी आजकल के नौजवानों से अच्छी हैं। पर वो क्यों करने लगे? मल्लू बाबू हमारे पैसे कब मिलेंगे? अरे पहलवान क्या बात, कब तक बहाने बनाते रहोगे? अरे यार मरा क्यों जाता है, पैसे मिल जाएंगे तेरे। खड़ी क्या कर रही है, चल जा यहाँ से। तो फिर मैं बातचीत करूँ? हाँ हाँ। अरे भोला की ताई, जरा हमारे लिए भी एक अच्छी सी लौंडिया तलाश करो ना। देखो तो भला कैसी बातें कर रही है। आई बाबा। बुढ़ापे में तुम्हारी अकल घास चरने तो नहीं चली गयी? मेरे पास कौन सा खजाना रखा है जो उसे बिठा के खिलाऊंगी? जानती है सबसे पहले जो सोना बनेगा उसका क्या करूंगा? क्या करोगे काका? तेरे बालियां बनवाऊंगा और गले की कंठी। नहीं काका, पहले अपने लिए कुर्ते के बटन बनवाना, मैं सफेद झक कुर्ता सीऊंगी तुम्हारा। अरे हाँ हाँ, बटन भी बन जाएंगे, पर पहले तेरे लिए गहने बनेंगे और फिर एक अच्छा सा वर ढूंढ कर तेरा ब्याह कर दूंगा। लच्छो, अरे ओ लच्छो। जी आई। जी बल्लू बाबू। ले मेरी लालता का बिड़ली को तो। सुन, बनवाड़ी की दुकान से मत लइयो, नुक्कड़ वाली दुकान से लेकर आइयो, जला पक्के। अरे कहाँ भेज रहे हो रात के वक्त लड़की को? इसके पांव की मेहंदी नहीं छूट जावेगी। जा रही जा, जल्दी आइयो। लाल धागा दीदी देना।
बाहर नहीं जाने देता। चलो हमारे घर से। अरे तू चल भाग जा, चल 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 भाग यहाँ से शहजादी। वो दलपत है ना, वो मेरे पीछे लगा है। वो दलपत है ना, वो मेरे पीछे लगा हुआ है। चल भाग जा, चल भाग जा। ये क्या किया लक्ष्मी, गजब हो गया, अब क्या करें? बैठ जाइए, अब हम आपको अपने यहाँ की एक नई कलाकार का गाना सुनवाएंगे। आप सुन लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिएगा। जरा शांति आओ मिस लक्ष्मी। कहने को जमाने में इंसान हजारों है,
कहने को जमाने में इंसान हजार है, दीपक तो अकेला है, तूफान हजारों है, तूफान हजारों है। दर्द नहीं मिलता फिर आए जहाँ घर में हम, दर्द नहीं मिलता फिर आए जहाँ घर में, मोती की तरह प्यासे रोते हैं समंदर में, मोती की तरह प्यासे रोते हैं समंदर में, अपना ही नहीं कोई अनजान हजारों है, अपना ही नहीं कोई अनजान हजारों दे मेरे सीधे हाथ, वो तो भाग गई। भाग गई तो पैसे भी भाग गए, हो गए। सवेरे समझ लूंगा बेटे, बच के कहां जाएगा मुझे? वो कहां गई? लक्ष्मी, लक्ष्मी कंगाल के घर लक्ष्मी नहीं दिखती। अरे अभी खाली हो गई, वो भी गई, ये भी गई। तूने उसका सौदा कर दिया, पांची बदमाश। बल्लू पर बहतान लगा रहे थे, क्यों रे, कहां गई थी? बोल, कहां गई थी? बोल। थेटर, थेटर, हेरा, चूठी, मुर्दान, और ये रुपए? मैंने गाना गाया था। चूठी, गाने के इतने पैसे देगा तुझे? सच्ची, बीबी जी कसम से। कमीनी, घर में चकला बनाएगी। देखिए मैंने क्या कहा था। क्या है? आज सारे अखबार लक्ष्मी देवी की तारीफों से पटे पड़े हुए। मैंने कहा ना कि बाबा हमको नया आर्टिस्ट नहीं चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर हाथ में डब्बा नहीं लेता, फेंक देता, सबको बड़ा आर्टिस्ट चाहिए, बड़ा आर्टिस्ट। तो पछताएंगे आप। काय को? फिर इन दामों में ऐसी हीरोइन नहीं मिलेगी। ऐसा? आज 5,000, कल 10,000, परसों 20,000। बस 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 सोच क्या रहे। तो अहमद भाई कॉन्ट्रैक्ट टाइप करने को बोलो। ये बात हुई, आइए। ये कोई चकला नहीं है, समझे, शरीफों का घर है। खाली पीली भूम काय को मारता भाई, अपन तो फिल्म बनाता, फिल्म एकदम फर्स्ट क्लास पिक्चर, तुम्हारी छोकरी को स्टार बनाएगा, स्टार। अरे क्या झगड़ा है? देख रहे हो, फिल्म में काम करेंगी, इसे अभी गांव चलता करो, कोई भान मनासी का घर समझा है? अरे बाबा फोकट में थोड़ा ही काम करा था, अपन तो पैसा देगा पैसा। हमें नहीं चाहिए आपका पैसा। वैसा क्या मस्तक फरीला आदमी है, अरे कमती है तो ऐसा बोलो। बल्लू ये क्या कर रहे हैं, वापस कर देंगे रुपया। बाबूजी बात तो सुनो, तुम अंदर जाओ, मैं इनसे निपट लूंगा। मैं लक्ष्मी का भाई बलराम, ये आपके रुपए। ये आप रखिए, आप रखिए, ये तो एडवांस है, एडवांस। थैंक यू, थैंक यू।
आइए आइए बैठिए। ऐश करो ऐश, तकदीर वाला आदमी है। पर वो छोकरी कहाँ है? वो छोकरी कहाँ है? इनका मतलब है लक्ष्मी देवी। ओह लच्छो, अरे ओ लच्छो है लक्ष्मी। जी बल्लू बाबू। अरे बाप रे, सर छोकरों तो एकदम कंडम मालूम होता है। हम्मद भाई तो हमको काय को फंसाता है। ओहो, अरे जरा मेकअप हो जाने दीजिए फिर देखिएगा। बड़े शरीर है। आज सुबह सुबह फिल्मिस्तान का प्रोडक्शन मैनेजर आया था। अच्छा। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैंने इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने। क्या साहब फिल्मिस्तान फिल्मिस्तान करता है तुम? हम कोई थर्ड क्लास प्रोड्यूसर है? अखा बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में अपना बिजनेस चालू है। अभी अपना नवा पिक्चर रिलीज होने वाला है, 26 सिनेमा हॉल बुक कराना है, 26। क्या साला फर्स्ट क्लास पिक्चर बनाया है, एकदम हिट। साहब पुलिस की उतारने से उतर नहीं सकता क्या? और क्या सेठ जी। और ये साला अपना हम्मद भाई, क्या साला डायरेक्टर है, बड़ा बड़ा डायरेक्टर, इसके सामने कुछ नहीं, पानी भरता है। क्या साला शॉट लेता है, जब देखो जब क्रेन घुमाता है, अखा पिक्चर पेन फोकस। क्या जी दुरुस्त पर हूं आप सेठ जी? तुम्हारे शुक्र को एकदम स्टार बना देगा, एकदम हिट। बुला ना सैलिक कॉन्ट्रैक्ट करने को बुला, अभी लेकर आता हूँ। अरे उठ कमबख्त, कपड़े बदल जल्दी से। कपड़े तो और मेरे पास नहीं है। उफ, क्या मुसीबत है। क्या हुआ है बल्लू? तुम नहीं समझोगी माँ, ये फिर सौदे कर रहा है, वापस कर रुपया। माँ तुम जरा इसके कपड़े बदलवा दो। बाबूजी मैं बाद में समझा दूंगा। नहीं अभी समझाना होगा। देखो बाबूजी मैं बाद में समझा दूंगा। अहमद भाई जी, ये साहब बलराम आपको पक्का 420 मालूम होता है। ओ, उसकी आप फिक्र क्यों करते हैं, उसे मैं निपट लूंगा। तो चलेगा। और 6 महीने का किराया देना है, ये सब कहाँ से होगा? इस कमाई से तो भीख मांगना अच्छा। एक फिल्म में काम करेंगे और बस। वैसे लच्छों की देखभाल मैं खुद करूंगा, माता जी भी साथ चलेंगी, और अगर कोई ऐसी बात है तो तुम भी साथ चलना। मुझे तो माफी। चल 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 चल। बल्लू ठीक ही तो कहता है, पैसा आ जाएगा तो लड़की का किसी अच्छी जगह ब्याह कर देंगे। अरे सुनती हो जी, अरे देखो अपनी लक्ष्मी फिल्म स्टार बन गई, ये देखो तस्वीर। हाय मेरी माँ, अब तू लाखों कमाएगी। और क्या, अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाकर गाड़ी लेके आओ, मैं बच्चों को तैयार करती हूँ। गाड़ी? कहो बेबी 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 बेबी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते भाभी जी। अरे मेरी लक्ष्मी, मेरी बच्ची, अरे कितनी दुबली हो रही है मेरी बच्ची। तुम लोग इसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं करते, क्यों बिटिया? अरे वाह मेरे भगवान, क्या तेरी लीला है। मैं तुम्हारे पास तो नहीं आई हूँ जी, अपनी बच्ची को देखने को जी तड़पा तो। कितना मस्का लेकर आई हूँ मासी, कोई मन दो मन। अगर हमारा आना तुम्हें ऐसा बुरा लगे है तो हम जाने हैं। चल बेटी चल। अरे दिन तुम लोगों ने रख लिया, अब कुछ मेरा भी तो हक है। आए बड़ी हक जताने वाली, वो दिन भूल गई जब मेरा सर पटक कर चल दी थी, इसकी माँ मरने वाली मेरे हाथ में सौंप गई थी। ये चाल किसी और के साथ चलना। क्या कहा, चाल चाल चल रहे हो तुम लोग? अरे अम्बको क्या कर रहे हो, गरीबी इंसान को कितना नीच बना देती है। मासी, क्या मासी, बल्लू बाबू। अरे बाबा, Thank you.
देखते ही देखते इनकी शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी। सैकड़ों बार उसने प्यार किया, हर बार नए प्रीतम सलव लगाई, बीसियों बार अग्नि देवता के चक्कर लेकर मांग भरी, दर्जनों बच्चे उसकी गोद में हुमक कर मुस्कुराए, मगर सब खेल ही खेल में, सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर। दुनिया में उसे सब कुछ मिला, एक प्यार न मिला। हाय हाय, ये लड़का है कि शैतान, कुछ खाने में नहीं देता है, और ऊपर से ही कोई साहब लोग आया है, इंटरव्यू मांग रहे हैं। इंटरव्यू हमारे पास नहीं है। अरे सुन, कहते पड़ोस में मांग कर ले गए हैं, आएगा तो दे देंगे। अरे ये क्या ऊटपटांग बक रही हो, जानती भी हो इंटरव्यू किसे कहते हैं? अबे ठहर, मैं देखता हूँ। क्या बात है? नमस्ते। नमस्ते। वो मैंने बलराम साहब से कहा था कि कहिए, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मुझसे कहिए, वो तो सो रहे हैं। कौन है भाई? नमस्ते बलराम साहब। ओ अमर बाबू, नमस्ते, आइए आइए आइए, बैठिए। बेबी, अरे बच्चों भागो यहाँ से, क्या कूड़ा करकट फैला रखा है, भागो भागो यहाँ से। बेबी, ओ बेबी, ये बंदे बाबू इधर आओ। आप हैं मिस्टर अमर, आकाशवाणी के एडिटर। नमस्ते। नमस्ते। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, चलकर बैठो ना तुम भी वहां। आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। जी आपने तालीम कहाँ तक पाई है? मैं जी मेरा मतलब है कि इन्होंने किस स्कूल में तालीम पाई? अजी साहब, स्कूल तो किसी काम के नहीं होते। जी सब बंडल। जी घर ही में पढ़ाया। अच्छा। हाँ हाँ, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? जरूर पूछिए। फरमाइए। प्रेम के बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी बेबी की उम्र ही क्या है, शरीफ घराने की बहू बेटियाँ प्रेम सेम के चक्कर में नहीं पड़ा करती। तो आप शादी कब तक? शादी? अजी साहब, एक आर्टिस्ट को तो शादी करना ही नहीं चाहिए। बच्चों से आपको दिलचस्पी है? निगोड़े बच्चे भी कुछ पसंद करने की चीज है? मुआ मेरा जंजाल। बच्चों से चिढ़ है बेबी को। आप जरा इधर आ जाइए तो ये आपकी पिक्चर ले ले। हाँ हाँ जरूर जरूर। आप लोग जरा जरा दूर दूर। अरे चुन्नू, अरे आओ, 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 अरे हाय हाय, ये तो जरूर एक दिन घर से लाके आग लगा के जान लिया। नाक में दम है, अरमान धमाका, पूरे इस किनिया के लगने तो नाक में दम कर रखा है। वो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी मेरा मतलब है कि प्रेम के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाबूजी ने इस घर को भी तोफाना बना डाला है। मैं आपसे फिर मिलूंगा। हाँ साहब फिर। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते बल्लू बाबू, अब और पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट न कीजिए, मुझसे ये दिन रात काम नहीं होता। अरे भी नई पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप तो गधे हैं भाई साहब, बकबक मत कर, चल यहाँ साइन कर, साइन कर। देख बेबी, शॉट तैयार है, जल्दी से आ जाना। हाँ
आदाब से। आदाब। अगर आज मेरी बात का जवाब नहीं मिला मजा नहीं आया बल्लू। कितना टाइम वेस्ट करता है। ये मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये यूं समझ लीजिए, क्या आपने किसी से मोहब्बत की? हेलो। हाँ हाँ तो आप आ रही हैं ना? हाँ मगर क्या सोच रही हैं आप? बल्लू बाबू से डर लगता है? देखिए बल्लू बाबू को तुम्हारी ये गोली, आप फौरन आ जाइए। फरमाइए कहाँ आ जाऊं? तुझे कितनी बार मना किया कि उस उल्लू के पट्टे को टेलीफोन ना किया कर। मैंने कहा किया था? अगर उसका फिर टेलीफोन आया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, समझी? आप आज भी नहीं आ सकती? खैर आपकी मर्जी। देखिए आज तो आपको आना ही पड़ेगा। पर मेरी तो शूटिंग हो रही है जी। मैडम शॉट तैयार है। ठहरो। हाँ तो बस आप ही के डेरे पर आपको बुला रहे हैं। ओफ, जाना। डांटती क्यों है आप? जाफरी को भेजिए। और साहब। अरे क्या साहब? साफ कर रहे हो? अरे पैसा फुल दिया है, फुल लाइट मारो, फुल लाइट मारो। अरे लंच टाइम हो गया, अभी तक एक शॉट तुमने लिया नहीं। पिक्चर आखिर तक तुम कैसा निभाएगा मेरे समझ में नहीं है। शॉट क्या अपना सर लू? मैडम कहाँ है? 3 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। वो भी मैं देखू? नहीं मैं देखू। हम गधे की तरह कहाँ जा रहे हो? मैडम कहाँ है जी? वो उनको 10 दफा बोल चुका हूँ, वो टेलीफोन कर रही है, आती नहीं। मैं क्या करूँ? टेलीफोन किसको टेलीफोन कर रही है? पता नहीं पर आप देखिए प्लीज। थैंक यू थैंक यू। क्या खा लगता है उसी को टेलीफोन कर रही है वो? अबे हद है क्या? गधा हूँ जा रहा हूँ। इसका पैसा कौन भरेगा? बस तेरी की क्या? अच्छा अच्छा मैं आधा बरसे। किसका टेलीफोन था? किसी का नहीं, वो दर्जी का था। दर्जी का कहाँ चली? चल साइड पर। उन्होंने कपड़े गलत दिए हैं, कपड़े बदल के आती हूँ। जल्दी कर। अरे वहां साहब इंतजार कर रहे हैं। देवी, देवी, अरे कहाँ गई? जी ये देखिए, ये 70 रुपए 8 आने आपके बताए हैं, इनका चेक मैं आपको भिजवा दूंगा। अरे यहाँ तो मोटर भी गायब। ओह आप श्रीकांत जी की नई किताब आ गई? जी हाँ, बल्कि वो आप भी अभी यहीं थे। कौन श्रीकांत जी? जी हाँ। कहाँ? अभी तो गए हैं घर को। कौन लड़की? अरे साहब ये फिल्म एक्ट्रेस है। जानते हैं आज क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी तो किस्मत ही खराब थी। 2 कदम पे वो थे और मैं उन्हें देख ही न सकी। कौन थे? श्रीकांत जी। ओ। रास्ते में सोचा उनकी नई किताब छपकर आई है, चलो लेते चले। और जनाब वहां हम पागलों की तरह खड़े उनकी तस्वीर देखते रह गए और वो तो चल भी दिए। अमर अमर क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूँ कि हमारे और आपके दरमियान ये श्रीकांत जी शायद हमेशा ही रहेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यानी हम तो बेवकूफों की तरह आपकी राह देख रहे हैं बैठे हुए और आप किताबें खरीदती फिर रही। अमर मुझे मालूम है कि ये कागज का चिथड़ा आपको मुझसे ज्यादा प्यारा है,
ऐसा ना कहिए। आपके खातिर मैं कैसे कैसे झूठ बोलती हूँ, क्या क्या बहाने करती हूँ। आप बुलाते हैं तो सब कुछ छोड़कर चली आती हूँ। आपको मेरा इतना ख्याल है? हाँ। तो फिर ये किताब पानी फेंक दीजिए। बस यही है आपका प्यार? किताब का आपको इतना अफसोस हो रहा है? अफसोस किताब का नहीं, अफसोस इस बात का है कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं। सच? तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। मेरी रातों के मुकद्दर में शहर है कि नहीं, मेरी रातों के मुकद्दर में शहर है कि नहीं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए, कहीं ऐसा न हो पाऊं मेरे थर्रा जाए और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले। अश्क बहते रहे खामोश यह रातों में,
अश्क बहते रहे खामोश यहाँ रातों में, और तेरे रेशमिया चल का किनारा न मिले। कर रहे हो न जाने किसके साथ गुल छछ उड़ा कर आई है, जान तो कैसी बदनामी हो रही है। बदनामी हो रही है, और उस दिन बदनामी नहीं हो रही थी जब तू गुंडे के हाथ इसका सौदा कर रहा था। बहू जी तू जात से करने में यही तो इसका दिमाग खराब करते हैं। भला सोचो तो, जवान लड़की गैर मर्द के साथ यूं घूमती फिरे, नाक कटेगी कि रहेगी। अच्छा तो आज तुम्हारी भी नाक कटने लगी। अब जब 400 रुपल्ली में उस बूढ़े बंदर के सर मंडे दे रही थी, उस वक्त तुम्हारी नाक गलभर लंबी हो गई ना। और हमें भी तो अपनी बेटियां ब्याहनी है, अगर ये भी घूमती फिरेगी तो हमारी बेटियों को कौन पूछेगा। बेटियों की इतनी फिक्र है तो पति देव की कमाई पर गुजारा करो बहू रानी। मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ, ये बदनामी का तो एक बहाना है, असल में सोने की चिड़िया पर तोड़ रही है तो तुम्हारा दम निकल जा रहा है। ये उड़ गई फिर तो ऐश किसके बलबूते पर करोगे। नहीं देखिए बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, क्या नई नवेली दुल्हन बनी रहती है। अरे कभी बाप के राज में ये सुख भोगे थे। बाबू जी तो फटिया गए। अरे तुम अपना कीमिया बनाओ, तुम्हें इन झगड़ों से वास्ता। मेरी कीमिया की लत तुम्हारी मुफखोरी से अच्छी है। अपने पेंशन पर जीता हूँ, किसी का खून नहीं चूसता। तुम सब मिलकर जोंकों की तरह इस बच्ची की जान को चिपके हो, और सबसे बढ़कर ये भैंसिया जोंक। बाबू जी चुप। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जिसकी सजा में तूने ऐसे कमीने बेटों का बाप बनाया। एक लड़की की कमाई पर इन्हें ऐश करते देखता हूं तो शर्म से किसी के सामने नजर नहीं उठती। तूने कहा था ना कि बस एक फिल्म में काम कराएंगे और फिर वो सुबह से उसकी शादी कर देंगे। शादी? और ये मकान का बाकी रुपया कौन चुकाएगा, और मोटर के 6000 जो बाकी है। सुनार भी आया था। बहू तुम सो रही थी, मैंने कह दिया परसों आना। तुम्हें बदला चाहिए, इसे मोटर चाहिए, बहु को देवर चाहिए, इन्हें रेशमी साड़ियां चाहिए, इसलिए तुम सब मिलकर इस मासूम बच्ची को तिंगनी कर नाचना चाहते हो। अरे जरा सोचो तो, इसके सीने में भी तो दिल है, इसके दिल में भी तो अरमान है। इसे ब्याह कर लेने दो, घर बसा लेने दो। Thank you.
हो गया है और दाढ़ी वाले पान से रेशम का सूट हो मखमल का बूट हो रेशम का सूट हो मखमल का बूट हो चुक 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 रेल चले चुनो आए तो ये ट्रेन चले पीपनी बजे जोर से घर की छत उड़े शोर से पप्पू गया घूमने रीति पुकारा जो हाथी लगा झूमने राजा के हाथी पे पप्पू गया घूमने रीति पुकारा जो हाथी लगा झूमने हाथी कमाल का मम्मी के लाल का हाथी कमाल का मम्मी के लाल का चुप 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 रेल चले ऊपर सेठ को उल्लू बनाकर उसे काम दिलवा दिया। अरे बैठे क्या देखते हो, कुछ करते क्यों नहीं? मेरी समझ में तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं आती। आपकी समझ में आता ही क्या है? मेरी बात याद रखना, लड़की हाथ से निकल गई तो सर पकड़ कर रोते रहोगे। रोने के लिए तो आप पैदा हुए। क्यों हुआ और कैसे हुआ? मार गई ते
तेरी बाकी अदा यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ और कैसे हुआ। मार गई तेरी बाकी अदा यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा। मार गई तेरी बाकी अदा यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ। मार गई तेरी बाकी अदा। चांद सी सूरत तेरी मोहनी मूरत तेरी। चांद सी सूरत तेरी मोहनी मूरत तेरी। तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जलवों में ये गजब नहीं। तेरी धुन मुझे बेसबब नहीं और जलवों में ये गजब नहीं। सच बता तू मुझ पे फिदा अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ। मार गई तेरी बाकी अदा यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा। तेरी बाकी अदा यूं हुआ और ऐसे हुआ। सच बता तू मुझ पे फिदा अरे क्यों हुआ और कैसे हुआ। मार गई तेरी बाकी अदा। कट फर्स्ट क्लास अरे वो कभी ये बात यार चाय पी जाए। कहाँ जा रही हाँ कहाँ जा रही है। मेकअप ठीक करने जा रही। नहीं घर चल। हाँ घर चल। घर लेकिन अभी तो बहुत काम बाकी है। बस बहुत हो चुका काम। हाँ बहुत हो चुका काम। लेकिन बल्लू बाबू क्या सबके सामने जूते खाने का इरादा है। चल हाँ घर चल। अरे ये किधर जा रहे रोको यार। बलराम साहब देख रहे हो कम वक्तों की बातें कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। अरे अब क्या कर सकते हैं अब तो शूटिंग भी हो गई। बलराम साहब कहाँ चले आप लोग। अरे भाई बड़ा जरूरी काम आ गया है। बड़ा जरूरी काम आ गया मगर अभी तो पूरा सीन पड़ा हुआ है।
पड़ा है तो हम क्या करें? जी हाँ, पड़ा है तो हम क्या करें? जरा सोचिए तो। अरे भाई, आप लोग पिक्चर में काम क्या कराते हैं, हमें मार डालना चाहते हैं। बेबी थक गई? जी मैं बिल्कुल नहीं थकी। देखिए तू क्या जाने, चल। हाँ तू क्या जाने, चल। अरे मर गए, मगर सुनिए तो। अरे जी मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। बात यह है, हम मास साहब के कई दिन से बेबी की तबीयत अच्छी नहीं। जी मैं अच्छी भली हूँ। जी हाँ आपकी बहुत अच्छी तबीयत है, चलिए। मगर सुनिए तो। जी सुन चुका। अरे क्या लूंगा, मेरा बेड़ा खर्च हो जाएगा। जी सुनिए। गधे की तरह मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सेठ जी को फोन करो ना। अभी करता हूँ। कैसे अपॉइंटमेंट? उल्लू के पट्टे। बेबी का हाथ पकड़ा और चल दिया। ये साहब भल्लू भाई एकदम बवाली है। बिल्कुल हम उसको समझेगा। 26 सिनेमा हॉल बुक करेला है। और ये बेबी आ गए। भल्लू भाई ये साकल तुमने क्या लफड़ा किया? सेठ जी हम तुम पर केस कर देगा, केस। जरा जबान संभाल के। हाँ अभी तो एक दिन की शूटिंग का नुकसान हुआ है, कहीं 5 लाख की पिक्चर का डब्बा ना गोल हो जाए। डेढ़ तो तुम हमसे ही लोगे ना। कैसी बात करता है तुम? तुम हमको ब्लैकमेल करता है? तुम अपने को क्या समझता है? बलराम साहब बैठिए। अब तो कोर्ट में मुलाकात होगी। हाँ कोर्ट में। हाँ हाँ बच्चा समझेगा। झगड़े से क्या फायदा, आप बैठिए, आप भी बैठिए। आप भी क्या फायदा, आप भी बच्चों जैसी बातें करते हैं। अगर केस के लफड़े में पड़ गई पिक्चर तो पटरा हो जाएगा, पटरा। जरा ठंडे दिल से सोचिए। आप क्या सोचेंगे? हम दिवालिया हो जाएगा, फुटपाथ पे जाके चने बेचेंगे और क्या है। बलराम साहब इतने पुराने ताल्लुकात हैं आप दोनों के, जरा सी बात पर यूं आते से बाहर हुए जाते हैं। आखिर बात तो मालूम हो कुछ? बात कुछ भी नहीं, आप टाल रहे हैं, कुछ तो बात है। सेठ से पूछो। हमसे? हमको पता होता तो मगज काय को मारता। आपने जानबूझकर हमें जलील करने के लिए उस छोकरे को साइड हीरो बनाया है। और वो जमाने भर का लफंगा बेबी को हमारे खिलाफ बहका कर उसे अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है और आप उसकी पीठ ठोंक रहे हैं। अरे बाप रे, ये सब तुम किया है? तुम हमको बोला छोकरा नया है, सस्ता है, छोकरे से कंटिन्यूटी मिले लाए। माफ करना बल्लू भाई, माफ करना। तुम तो हमारे भाई से लिखा है, अपन का तो मगज फिरेला है। ये 420 के चक्कर में आके हम एकदम कंडम हो गया। अच्छा देखो, इस पिक्चर के बाद ये सामर का पत्ता एकदम काट देगा, समझा? जी नहीं, इसी पिक्चर में से उसे निकालना होगा। हाँ कैसी बात करता है तुम, ये शूटिंग हो रहा है तो भला ये कैसे हो सकता है? बलराम साहब करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और क्या, कुछ हो सकता है तो करो बाबा। अरे क्या करूं, बीच पिक्चर से कहां गायब कर दूं उसको? तुम बोल दो ना। आप ही बोल दीजिए ना। अरे तुम बोल दो ना बाबा। अरे मैं क्या बोलूं, आप बोलिए। क्या बात क्या है सेठ साहब? अरे बाबा बोलो ना तुम, तुम्हारे को इसका काम पसंद नहीं है? काम पसंद नहीं? अम्मा साहब आपको मेरा काम पसंद नहीं? नहीं तो सेठ जी से पूछिए। मैं समझ गया, ये आग बलराम साहब की लगाई हुई। सेठ जी आप एक निकम्मे मुफ्तखोर के कहने से मेरी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, ये मेरे कैरियर का सवाल है सेठ जी। मगज काय को खाता बाबा, तुम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का पैसा ले लो। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। तुम काय को मारता, ये ऑफिस है। हम मजबूर हैं अहमद, मुझे बड़ा अफसोस है। हजार दो हजार नहीं लाखों का मामला है। बलराम से बैर मोल लेना मौत को दावत देना है। बहुत अच्छा, मुझे भी देखना है कि बलराम कितने पानी में है। अमर, सेठ जी ने क्यों बुलाया था? सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे पिक्चर में से काट दिया गया है। हाँ? मगर क्यों? ये बल्लू बाबू से पूछो। सुनो बाबू का है और सजा मुझे दे रहे हो। कसूर? कसूर तो मेरा है जो तुम्हारे पर भरोसा किया। मुझे नहीं मालूम था कि दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी और तुम खड़ी देखोगी। लेकिन
लेकिन मैं कर ही क्या सकती हूँ। बहुत कुछ कर सकती हो, तुम चाहो तो पिक्चर रुका सकती हो। ये कहो ना कि मेरे लिए तुम कुछ करना ही नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ अमर। मुझे तुम्हारी जान नहीं, फिल्म में काम चाहिए। हीरोइन तुम हो और हुक्म बल्लू बाबू का चलता है। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आखिर तुम इसे इतना डरती क्यों? पता नहीं, सारा जीवन ही दुनिया से डर के गुजारा है, पर ये कभी नहीं सोचा कि क्यों। क्या मुझसे भी डरती हो? तुम्हारे प्यार। कान खोल कर सुन लो, सर खोल कर घर में से निकल जाऊंगी। मगर माँ वो तो एक फिल्म कंपनी की नाचने गाने वाली अगर इस घर में आ गई तो इन कमबख्तों को कौन ब्याह कर ले जाएगा? ये तो ना कहो माँ, जब 50,000 रुपए जहेज में देंगे तो एक के हजारों लड़के मिल जाएंगे। क्यों लग जाएगा दामादों का घर में? 50,000 रुपए? 50,000? 60,000? 1,00,000? जितना कहोगी, अपनी फिल्म कंपनी जो होगी। कुंबे वाले क्या कहेंगे बेटा? अरे माँ गोली मारो कुंबे वालों को। अरे रुपया सबका मुंह बंद कर देता है। देखो बल्लू बाबू, मैं कोई तुम्हारी दबेल नहीं हूँ। अच्छा, चंदिया खुश जा रही है मालूम होता है। मुझे हाथ लगा के तो देखो, आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, मैं शादी कर रही हूँ। शादी? सुनते हैं भाई साहब, शादी कर रही है? अरे सुनती हो, लक्ष्मी देवी शादी कर रही है। इसमें हंसी की क्या बात है? जैसे मैं कोई नई बात कर रही हूँ। कभी दुनिया में किसी ने शादी नहीं की? शादी तो कर रही हो, पर खाओगी कहाँ? अमर साहब को तो पत्ता कट गया। मेरे रुपयों का हिसाब कर दो। तुम्हारे रुपए? कैसे रुपए? लाखों जो मैंने आज तक कमाए हैं। लाखों? वो कैसे? पिछले साल में तो मैंने 8 पिक्चरों में काम किया, कम से कम 6-7 लाख तो ये हुआ। अरे भाई वो कैसे, एक पिक्चर का 5,000 और ज्यादा 7,000 मिलता है, लाख भी तो नहीं हुआ। अगर यकीन ना आए तो रसीदें देख लो। और वो जो बिना रसीदों के मिला, ब्लैक का रुपया। ब्लैक का रुपया? अरे तोबा, इसका हिसाब तुम्हारे पास होगा। तो क्या मैंने इतने साल में कुछ नहीं कमाया? कमाया क्यों नहीं, जितना कमाया उससे ज्यादा खर्च कर दिया। और क्या, काहे में खर्च कर दिया? अरे भाई 1,000 खर्च है, पब्लिसिटी का खर्च है, मोटर का खर्च है, तुम्हारा अपना प्राइवेट खर्च है, कपड़ा लत्ता जेवर ये वो। और वो हुए कुत्ते हैं, एक एक इतना इतना खाना खाते हैं, उनका भी तो खर्च है। किन कुत्तों ने मेरी कमाई खाई है वो मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर लाखों कमा लूंगी। इस ख्याल में न रहना, 5 साल तक तो तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं काम ही नहीं कर सकती। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट, 5 साल का बल्लाम आर्ट प्रोडक्शन से कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? भूल गई, उस दिन जो मेकअप रूम में दस्तखत किए थे। ओ, बेईमान। खैर मैं पिक्चर में काम भी नहीं करूंगी, लेकिन मैं शादी जरूर करूंगी, सुना? वो तुझसे शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आजमा के देख लो। बहुत अच्छा। हेलो, मिस्टर अमर है वहाँ? मुझे डर था तुम नहीं आ पाओगे। क्यों, आखिर बात क्या है? ये लोग मुझे डरा रहे थे, कह रहे थे तुम्हें मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार है। तुमने मेरी लाज रख ली अमर,
मुझे यहाँ से ले चलो कहीं दूर जहाँ मैं इनकी आवाज तक न सुन सकूं। मगर ये घर तो तुम्हारा है। नहीं, मैं यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहती। ये घर नहीं, कैदखाना है। इसकी दीवारें चारों तरफ से मेरा दम घोटे डालती हैं। लेकिन इन दीवारों में तो तुम्हारा खून और पसीना लगा हुआ है। हाँ, जब ही तो इन दीवारों से मुझे अपने खून की बू आती है। मुझे यहाँ से ले चलो अमर। मगर कायदे से तो ये घर छोड़कर इन लोगों को जाना चाहिए, फिर यही घर स्वर्ग बन जाएगा। ये घर मेरे नाम नहीं है। घर तुम्हारे नाम नहीं? नहीं, बल्लू बाबू के नाम है। खैर, लानत भेजो घर के ऊपर। तुम अपना रुपया और जेवर ले लो। और रुपया, जेवर? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मगर तुमने तो लाखों कमाया है। हाँ, लेकिन एक पैसा भी मेरे नाम नहीं। क्या? गुस्से ना हो अमर, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। खैर, कोई बात नहीं, हम फिर लाखों कमा लेंगे। हम फौरन अपनी कंपनी शुरू कर देंगे। और ये घर क्या चीज है, एक साल के अंदर अंदर इससे बहुत ऊंचा घर बना लेंगे। मगर मैं फिल्मों में काम नहीं कर सकूंगी। वो क्यों? बल्लू बाबू की इजाजत के बगैर मैं कहीं काम नहीं कर सकती। उनसे मेरा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या बकरी है? मेरी दौलत के बिना क्या तुम भी मुझसे प्यार नहीं कर सकते? मेरी 4 बहनें हैं और उनकी शादी करना है। लेकिन तुम नौकरी करके बहुत रुपया कमा लोगे अमर। 5 बरस से नौकरी के लिए सर मार रहा हूं। मुझे मालूम है कि मैं मरकर भी उनके जहेज का रुपया नहीं कमा सकता। और फिर माता जी। अमर, माता जी को मैं मना लूंगी, तुम्हारी दासी बंद कर रहूंगी। अमर, तुम 2 रोटी कमा कर लाओगे, वो तुम्हीं को खिला दूंगी, खुद भूखी सो रहूंगी। भला मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूं? अगली तुमने मुझे डरा दिया था। डरने की क्या बात है? जाओ, जाकर मुंह हाथ धो। क्या इसी तरह से चल जाऊंगी? मैं टैक्सी लेकर आता हूं, तुम सामान ठीक ठाक रखना। माफ कर देना, बधाई के समय मुंह न फेरो। चल नहीं, चलो चलो। बस आते ही होंगे। आजकल टैक्सी बड़ी देर से मिलती है ना, बड़ी मुश्किल से मिलती है।
भाई साहब, आज सोने कह रहा नहीं है क्या? क्यों नहीं भाई, चलो भी उठो। बन रही है। तुम बड़ा ही कमीना है बलराम। तुम्हारा क्या, गर्दन तो मेरी फंसी हुई है, सेठ मेरा गला पकड़ेगा। देखता हूँ कौन इसे शूटिंग पर ले जाता है, इसे मार डालने का इरादा है क्या? घबरा नहीं काका, मुझ जैसी बदनसीब को तो मौत भी नहीं पूछती, शूटिंग पर तो जाना ही होगा। जल्दी करो बाबा, जल्दी करो ना। एक मिनट बाबा, हम मर जाएगा। एक मिनट में बाबा, एक मिनट में सब ठीक कर लूंगा, आप फिक्र ना कीजिए। बेबी क्या हो रहा है? बेबी क्या हो गया बेटा? पंडित जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। एक मिनट, मैं यूं ही बोल रहा हूँ, आप और दिमाग खराब करो बाबा। जल्दी करो, बैठिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। बत्ती जलाओ यार, तुम्हारा एक मिनट और दिमाग खराब क्यों हो गया? चल आप, चल बाबा। हम रेडी? जी हाँ रेडी। आप क्या झक मार रहे हैं, ये उठाइए ना कुर्सियां, से असिस्टेंट बने। राइट, कमर, साउंड स्टार्ट प्लीज, रनिंग कैमरा। बता दे कि तुझे प्यार करूं या न। कट। क्या हुआ मैडम? वो टैक्सी आई है ना? टैक्सी? कैसी टैक्सी? अरे बॉलम की तरह क्या खाओ, कुर्सी लाओ। अब बैठे बेबी। बेबी क्या हो गया, क्या हो गया बेबी? बेबी मुझसे आज काम नहीं होगा, मेरा सर फटा जा रहा है। सर में दर्द है? अरे बाबा जल्दी ना, जल्दी ना। अरे आखा दिन वेस्ट हो गया, अभी तक एक शॉट नहीं हुआ। अरे तुमको किसके देने डायरेक्टर बनाया? आपने बनाया? अरे बाप रे, तुम क्या हमको फुटपाथ में बिठाएगा तेल बेचने को? क्या नखरे कर रही है? हाँ ये क्या करेंगे? आज चलिए, मैं सब ठीक कर लूंगा। आज चलो, चलो बाबा, जाओ जाओ, तुम हम सब ठीक कर लेंगे, सब सब हो जाएगा। आपकी नतीजा आप कैसे देखिए? देवी ये तो बड़ी खुशी का गाना है, जरा ध्यान डाल के लो। हाँ यूं समझो कि चांदनी रात है। हाँ। फूल खिले हुए, तुम्हारे मन में भी कलियां चिटक रही। हाँ। तुम्हारे मन मंदिर का देवता तुम्हारे सामने बैठा है। हाँ। और तुम खुशी से गा रही हो, नाच रही हो। हाँ। जी कुछ नहीं, बस बेबी जरा सा काम रह गया है, ये सारा गाना खत्म कर दो, नहीं तो अपना तो तकता हो जाएगा। 26 सिनेमा हॉल बुक कराना है, 26, कितना पैसा भरना पड़ेगा जरा सोचो तो बेबी। ले लो चॉकलेट, ले चॉकलेट। रेडी? अरे बात भी नहीं। रेडी? चलो भाई लाइट, आप भी खिल सकिए।
मैं कैमरा लाओ। तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। कट कट कट। ओ मर गए। मैडम क्या बात है? हटो क्या बंडल डायरेक्टर से तुम? मैं इस सॉन्ग को अभी यूं डायरेक्ट करता हूँ यूं। चलो हटो यहाँ से। कीजिए कीजिए। चलो 32 बजा। रेडी ओडी बॉडी। चलो बाजा बजाओ। कैमरे चलाओ। चलो देखो बेबी नंबर 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 रहने दो। हटो यहाँ से। बाजा बजाओ बाजा बजाओ बाजा बजाओ। देखो बेबी यूं करना है जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करना है। बाबा जी आपके बस का काम नहीं। आप अपने बिजनेस संभालिए मैं कर लूंगा। चलिए 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 चलिए। अरे सुनती हो लक्ष्मी देवी शादी कर रही है। अरे उठ क्या कर रही हो? नखरे छोड़ो महारानी। अरे क्या कर रही हो? माल भूत कर रहा है। छब्बीस सिनेमा बुक कर रहा है। छब्बीस सिनेमा बुक कर रहा है बाबा। सारे छब्बीस सिनेमा बुक कर रहा है। छब्बीस सिनेमा बुक कर रहा है। छब्बीस सिनेमा बुक कर रहा है। अरे अब ये नखरे बंद भी कर। लेकिन मैंने कह तो दिया मेरी तबीयत बहुत खराब है मुझसे काम नहीं होता। तेरे अच्छे भी काम करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किए हैं पैसे लिए हैं और अब काम नहीं करेगी। मालूम है सारी इंडस्ट्री तेरे जन्म पे थूक रही है। लोग तुझे फिल्म में लेते हुए घबराते हैं। और अगर यही हाल रहा तो कोई कौड़ी को नहीं पूछेगा। कहाँ चली? अरे क्या कहाँ जा रही है? कहाँ चली गई? मुझे क्या मालूम। घर का है मेहमान अंधेरा किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान अंधेरा जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर कर है बादल घनेरा किसके रोके रुका है सवेरा।
रात भर का है मेहमान तेरा। लपे शिकवा नाला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले। लपे शिकवा नाला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जीले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान तेरा। कोई मिलके तदबीर सोचे, सुख के सपनों की ताबीर सोचे। जो तेरा है वो ही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। एक लड़की थी, शायद चली गई। अरे भैया, कुछ चोर चकार हुई है, कुछ चीज बस तो नहीं उठाए के ले गई। रात भर का है मेहमान तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। कट कट कट, क्या हो रहा है मैडम? सॉरी, फिर से लीजिए। कैमरा लाओ भाई, जल्दी प्लीज जल्दी आओ। जब से रात जितनी भी संगीन हो, कुछ जल्दी हो। कट कट कट, क्या बात क्या है बेबी? जलपरी कल टैक्सी, आज जलपरी बात क्या है? ये क्या हरकत? हाँ, ये क्या हरकत? ये सब तुमने घोटाला करेला है। हमने 26 सिनेमा हॉल बुक करेला है, हम तुम पर केस कर देंगे, आज छोड़ेंगे। जल्दी
आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आज हम आपका काम खत्म करके ही जाएंगे। आप अखीरा शूटिंग कीजिए। हाँ, हाँ, अखीरा शूटिंग कीजिए ना, अखीरा शूटिंग कीजिए ना। और टाइम कौन देगा, लंच कौन देगा, तुम पैसे तो मेरे देंगे ना। अरे अरे बेबी कहाँ गई, अरे फिर भाग गई, फिर भाग गई, ये छोकरी फिर भाग गई। कहाँ चले? तुम आ गई? कल भी आई थी? दादा कहता है गीतों की दुनिया में रहते रहते मेरा दिमाग भी एक साज बन गया, जिसकी झनकार से तुम्हारी छवि बन जाती और फिर मिट जाती। कौन हो तुम? आपने मुझे कहीं नहीं देखा? है? याद नहीं पड़ता। ओ हाँ, कल रात तुम वहां पड़ी सो रही थी, मैंने उठाकर यहां लिटा दिया था, फिर सुबह न जाने तुम कहां गायब हो गई। दादा कहता है तुम मेरा बहन। दादा कोई शायर मालूम होता है? नहीं शायर तो नहीं, पर अरहर की दाल बहुत अच्छी बनाता है, लहसुन से बघारता है। बैठो। अच्छा, आप जो अपने दिमाग से तस्वीर बनाते हैं उसे भूख भी लगा करती है? भूख लग रही है? बहुत जोर की। अच्छा, मैं दादा को अभी जगाता हूँ। दादा, दादा, वो फिर आई है, भूखी है। उनका मारो, सारा दूध पी जाइए। बिल्ली बिल्ली। दादा, बिल्ली नहीं, वो लड़की। दादा मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तो भैया जाओ सो जाओ, जाओ भैया। तुम्हें यकीन नहीं आता? आओ आओ खुद देखो। भैया गायब हो गई। दादा अभी भी यहाँ बैठी थी। यहाँ बैठी थी भी कविता झाड़े लगे। दादा तुम्हें तो मेरी कविता से चिढ़ हो गई। काहे को परेशान करत हो? वो देखो। कहाँ? उधर नहीं इधर। भैया काहे को मजाक करो हो, बेनाहक का डराए दियो। ये देखो ये मेरी कविता है। आओ आओ, ये दादा हैं। नमस्ते। जीती रहो बिटिया। आओ बैठो। दादा कहते हैं तुम कुछ भी नहीं हो, तुम मेरा वहम हो। अरे क्या कहो तो? अच्छा इस बेचारी कविता को कुछ खिलाओगे भी या भूखा ही मारोगे? अरे अभी लावत है। ये तुम क्या खा रही हो? कैरी खाएंगे? ना बाबा माफ करो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम हो कौन। अरे आप ही ने तो कहा था कि मैं आपका बहन हूं। लेकिन तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे। घर वाला तो नहीं, माँ बाप भी नहीं है। कोई भी नहीं? बस आप हैं। मुझे बड़ी सख्त जरूरत है, कहीं से भी 10,000 रुपए का इंतजाम कर दीजिए। 10,000? 10 पौड़ी भी नहीं देगा तुमको हम। शूटिंग चालू और छोकरी गायब, तुम अपने को क्या समझता है?
पांच लाख का केस कर देगा, 5 लाख का, क्या समझा तू? लेकिन सेठ जी, पहले छोकरे को इधर सेठ पे ले आओ, पिछवा हम बात करेगा। यही सजा है। एक बात बताओ, तुम मेरे साथ यहां अकेली रहती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों? आपके सर पे सिंजू नहीं? फिर भी एक गैर इंसान के साथ यूं रहना, लोग क्या कहेंगे? गैर तो वो होता है जिसे गैर समझा जाए। उंगली की बजाय थोड़ी जबान कट जाती तो अच्छा था। सोने की चिड़िया उड़ गई, बेचारे अनाथ हो गए। बाबूजी ने तो नाक में दम कर रखा है। हाँ, लोग अभी आते हैं। मिल गई, मिल गई। अरे सुनती है बेबी, मिल गई। चलो, क्या बात है, कौन है आप? खाकसार को बलराम कहते हैं, मशहूर फिल्म स्टार मिस लक्ष्मी देवी का भाई। फिल्म स्टार? जी हाँ। आपने इनकी कोई फिल्म नहीं देखी? जी नहीं, मैं फिल्में बहुत कम देखता हूँ। बेहतरीन एक्टिंग करती हैं। क्यों? एक्टिंग की? बहुत ही अच्छी करती हैं। नमस्ते मिस लक्ष्मी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। श्रीकांत जी, चलो लक्ष्मी। मैं नहीं जाऊंगी श्रीकांत जी। ड्रामा तब खत्म हो चुका मिस लक्ष्मी, अब एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? श्रीकांत जी चलो वहां, मैं छूटी रुकी पड़ी, मेरा गला पकड़ेगा। अरे भगवान के लिए जाओगे कौन?
ये क्या कर रहे हो जी? हाय राज, मुझे हाथ मत लगाओ। तुम सब होने हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कमाई पर फूल कर कुप्पा हो रहे हो, इसे दो मीठे बोल भी नहीं दे सकते। अच्छा भैया, अब ऐसी भूल न होगी। चल बिटिया लक्ष्मी, मैं नहीं जाऊंगी। हम पर नहीं तो इन मासूम बच्चों पर रहम कर लक्ष्मी, तुझे इन पर दया नहीं आती। गुस्सा थूक दो रानी। हाँ बिटिया। बेबी तो माफ कर दे, तेरे यह कह गायब हो जाने से मैं गम में पागल हो गया था, मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया, मुझे माफ कर दे बेबी। आप तो खुद अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते हैं, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? ले, मैंने तुझे मारा था ना, जो तू मुझे मार। श्रीकांत जी, क्या बात करता है बीबी? नमस्ते जी, आपकी तारीफ है? आप हमको नहीं पहचानते? कैसा बंडल पब्लिसिटी करता जी तुम है? कंपनी के नाम से बूम मारता और हमारे भविष्य में कुछ नहीं करता। आखिर पैसा हमारे जेब में से जाता है ना, वो अल्फ्रेड फिल्म कंपनी है ना, वो अपनी है, समझे? जी समझा। ये सब तुम गोलमाल किया है, तुम्हारा मस्तक फिरेला है, तीन पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट करेला है, तीन पिक्चर का। क्या हमद साहब, तुम बोलते थे एकदम फर्स्ट क्लास, क्या एकदम बुद्धू हो तुम हमद साहब? फर्स्ट क्लास हीट गाना नहीं लिख सकता तो छोड़ो बाबा, कोई और काम करो। नमस्ते सेठ जी। अच्छा क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा सेठ बेवकूफ है। आओ ना बीबी, बैठो ना, आओ आओ। आपने श्रीकांत जी का अपमान किया। अपमान? सब चौपट कर दिया। क्या चौपट कर दिया? अरे सीन लेना बाकी है, पिक्चर खत्म करना है कि नहीं? क्या बात बोलता है तुम, अपने तो कुछ समझ में नहीं आता। आपकी समझ तो औंधी है। कायकू? अरे श्रीकांत जी और लक्ष्मी, मेरा मतलब है लक्ष्मी और कंट्यूटी मिल रहा है? और नहीं तो क्या, मुझे बावले कुत्ते ने काटा था जो उन्हें यहाँ बुला के लाता। लक्ष्मी अब बल्लू बाबू के काबू में नहीं रही, बल्कि श्रीकांत जी की मुट्ठी में। अरे बाप रे, हमने तो सोचा था साझे में मिलकर पिक्चर बनाएंगे, बल्लू बाबू के नखरों से तो पीछा छूटेगा। अरे तो पहले काय को नहीं बोला, तो सुनते कर रहे हैं आप? बुला बुला सा उसको, बुला बुला। बुलाता हूँ। वो जरा, आप फिर नाजिल हो गए? सेठ जी ने बुलाया है। अजी सेठ साहब से कह दीजिए ना, मुझे गीत वीत नहीं लिखने हैं। बस दो मिनट प्लीज। ओहो आप तो हद करते हैं। आइए मेरी खातिर प्लीज आइए।
अच्छा श्रीकांत, मैं फिर किसी वक्त आऊंगा। हाँ जरूर जरूर। गया? अरे बाप रे, मर गए। रहने दो बाबू, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। कैसा आदमी है तुम, हमने तो मजाक किया, तुम सच समझा? जी कोई बात नहीं, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को बोलो। हाँ मगर एडवांस। हाँ एडवांस। हाँ एडवांस, ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में साइन हो जाएगा। ये एडवांस यानी पेशगी? नहीं साहब, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं। अरे सुनो तो, अरे सारा तो हमारा बड़ा भाई है। अरे तो बड़ा भाई तो श्रीकांत जी, श्रीकांत जी सुनिए तो। क्या है? अरे बाबा भागता काय को है? आप भी गजब करते हैं सेठ जी, न जाने किस सनक में थे। हाँ। आप बुरा मान गए, गलती तो आदमी से हो ही जाती है। हाँ, हाँ। अपना तो बाबा मस्तक खरेला है। मगर साहब ये किस लिए? अरे बाबा ले लो, तुम तो साला अपना भाई। हाँ। है इस वक्त रख लीजिए, ऐसे ये फिर वापस कर दिएगा उसमें क्या है। हाँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हम काम करते हैं तो पैसा नहीं मिलता, लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के पैसा दिया जा रहा है। हाँ भाई, अभी वहाँ खड़े ये लंबे लंबे भाषण झाड़ रहे थे, मौका मिला तो जेबे गर्म करने लगे। अरे यार ये सब 420 होते हैं। अबे रोता काहे को है, तू भी कोई सोने की चिड़िया फांस ले, फिर तेरी भी चांदी ही चांदी है। मैंने तो सुनिए, तो बात तो सुनिए। देखिए तुम मुझे भी अपने जैसे ही बनाना चाहती हो, लेकिन फिल्मों के लिए गाने लिखने में क्या बुराई है? आपकी कविताएं कितनी सुंदर हैं, मैं चाहती हूँ ये अनमोल गीत देश के कोने कोने में सुनाई दें। ये तुम्हारी भूल है, फिल्मी गीत मैं अपनी कल्पना से नहीं डायरेक्टर के हुक्म से लिखूंगा, मकान का किराया देने के लिए लिखूंगा, पेट की आग बुझाने के लिए लिखूंगा। उसमें ना मेरी कला होगी ना मेरा संदेश। लेकिन अगर आप और मैं मिलकर, तुम इन बातों को नहीं समझती, तुम दूसरों की ऐश के लिए कमाती हो, दूसरों के इशारों पर नाचती हो, दूसरों के लिखे हुए लफ्ज दोहराती हो। एक्टिंग भी एक कला है, लेकिन इन लोगों ने इस कला को वेश्या बनाकर बाजार में बेच डाला है। तुम कला समझकर फिल्मों में काम नहीं करती, बल्लू बाबू के डर से करती हो, पैसा कमाने के लिए करती हो। पैसा? हाँ पैसा, जो करोड़ों इंसानों की जेब से निकलता है और बल्लू बाबू की जेब में चला जाता है। सच सच बताओ तुम्हें इसमें से कितना मिलता है? हाँ, दो वक्त की रोटी और कपड़ा, इतना तो तुम कला का खून किए बगैर भी कमा सकती हो। तो क्या लोगों को मेरे काम से कुछ भी नहीं मिलता? हाँ, मिलता है। पांच आने में झूठे सपने और तुम्हारी सुंदरता की आंच, लेकिन कितने ही ऐसे जिन्हें ये पांच आने या साढ़े पांच आने भी मुयस्सर नहीं। क्या उनका तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं? सोचा था तुम्हें अपनी दुनिया की एक झलक दिखाएं, लेकिन शायद तुम इसी दुनिया की आदी हो चुकी हो। मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्यार है। लेकिन व्यापार की इस दुनिया में प्यार की क्या कीमत? खैर, तुमसे मुलाकात हो गई, यह भी बुरा नहीं हुआ। कुछ यादें बाकी रह जाएंगी और बस। अच्छा चलता हूं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, आपको मुझे अपना जीवन साथी बनाना होगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही कह रही हूँ, मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, एक छोटा सा घर
और बहुत से बच्चे। और जब तुम शूटिंग पे जाओ मैं घर में बैठकर बच्चे पालू। बच्चे मैं पालूंगी। अरे ये सब बगला बगल बने फिरते हैं। फिल्म एक्ट्रेस से कौन शरीफ आदमी शादी करता है? जो करते हैं सो पैसे की। श्रीकांत जी ऐसे नहीं है। फिर वही मुर्गे की एक टांग। अरे दुनिया में हर एक चीज के दाम है, किसी के कम किसी के ज्यादा। दुनिया की कोई चीज श्रीकांत जी को नहीं खरीद सकती। ये बात है, मालूम हो जाएगा। चलिए भाई साहब। कहाँ चले बल्लू बाबू? सौदा करने। ये सौदा नहीं पटेगा। अमर बाबू के बारे में भी तो यही गुमान था। सौदा नहीं होगा ना? तेरा मन क्या कहता है बेटा? मेरा मन तो थर-थर कांप रहा है। सारी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है कि फिल्म एक बहुत ऊंची कला है। इसका करोड़ों इंसानों के दिलो दिमाग पर असर पड़ता है। तो फिर जहां हमारे कॉलेजों में साहित्य, संगीत, कविता और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ फिल्म आर्ट की ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जाती? यही तो हमारी स्कीम है। इसमें हमने एक स्कूल या कॉलेज खोलने का प्लान बनाया है जहाँ डायरेक्शन, फोटोग्राफी, एक्टिंग वगैरह की तालीम दी जा सके। देश के कोने कोने से हजारों नौजवान लड़के लड़कियाँ फिल्म के शौक में बम्बई आते हैं। मुश्किल से उनमें से दो चार को काम मिलता है, बाकी तबाह हो जाती है। मगर ये काम तो गवर्नमेंट के करने के हैं, तुम गवर्नमेंट से मदद क्यों नहीं मांगते? क्या पांच साल प्लान में फिल्म का कोई हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं, मगर पहले हम कुछ करके तो दिखाएं। अगर हम नींव डाल दें तो दीवारें गवर्नमेंट की मदद से खड़ी हो सकती हैं। अगर कहीं से 40-50 हजार रुपया भी मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और तुम्हारी एसोसिएशन के पास इस वक्त है कितना सरमाया? 280 रुपये 15 नए पैसे। हिंदी
आ गया आज बेबी। वाह वाह, आज आपने कमाल कर दिया। आह वंडरफुल, फर्स्ट क्लास। कांग्रेचुलेशन साहब। श्रीकांत जी, आप हमारे साथ पार्टनरशिप में पिक्चर बनाइए। पार्टनरशिप में? जी हाँ। जी नहीं, मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो लोकगीत लिखता हूँ। लोकगीत? आपके लोकगीत और बेबी की आवाज, नशा आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरों के क्यों लग जाएंगे साहब, क्या ख्याल? जी नहीं, शुक्रिया। हेलो मदन। हेलो श्रीकांत, तुम यहाँ कहाँ यार? यूं ही एक दोस्त के साथ आ गया था। फिल्म लाइन तो आजकल बड़ी तेजी से तरक्की कर रही है। जिस तेजी के साथ फिल्म लाइन तरक्की कर रही है ना, उसी तेजी के साथ बड़े बड़े कलाकारों के भाव बढ़ रहे हैं और छोटे मोटे कलाकारों के भाव गिर रहे हैं। लेकिन भाई ये क्यों, आखिर वो लोग भी तो अजीब, बड़े कलाकार इतना ले जाते हैं कि प्रोड्यूसरों के पास छोटे कलाकारों को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं। बड़ी मछली का बड़ा निवाला। अब ये देखिए हमारे छोटे मोटे कलाकारों की हालत। दिलों में उमंगे लिए न जाने कितने नौजवान देश के कोने कोने से इस लाइन में काम करने के लिए आते हैं। उनमें से दो चार ही हैं जो आसमान तक पहुंच पाते हैं और बहुत से तो पैरों की धूल बनकर राह में ही बिछड़ जाते हैं। जो जरा सख्त जान होते हैं वो एक्स्ट्रा बनकर एड़ियां रगड़ते रहे। इन्हें क्या तनख्वाह मिलती है? अजी तनख्वाह कहाँ मिलती है, ये बेचारे तो रोजाना मजदूरी पर काम करते हैं। हाँ, दो चार दिन महीने में काम मिल गया तो मिल गया, वरना फाके। और मजा ये है, इस दो चार दिन के काम के लिए भी इन्हें पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक जमीन नापते फिरते हैं। फिर एक दिन जब हाथ पांव जवाब दे जाते हैं तो थक कर कहीं मौत के इंतजार में बैठ जाते हैं। ¶¶
हमारे ये बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट जो दुनिया भर के कामों के लिए चंदे देते हैं, शो करते हैं, अपने इन गरीब साथियों के लिए कुछ नहीं कर सकते? इसी सिलसिले में तो मैं दिन रात स्टूडियोज में घूम रहा हूँ। मैंने एक स्कीम बनाई है, किसी वक्त फुर्सत में आकर बताऊंगा। यहाँ तो वो हिसाब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इनका मुकाबला करने के लिए तो हमें एक ही की जरूरत है, फंड की जरूरत है। श्रीकांत जी, आपको सेठ जी ने बुलाया। क्यों? बस एक दो मिनट के लिए, आइए। तुम यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ, वो तो मैंने कल भेज दिया है, कल मिलेगा तुमको। हाँ, तुम्हारो काम काले करी ना किशा, चौकस। हाँ हाँ हाँ, बैठो। कैसी बड़ी? तुम गाना बनाता है? मैं गाना बनाता नहीं हूँ, गाना लिखता हूँ। कोई अच्छी चीज सुनाइए। क्या सुनाऊँ आपको? कोई भी, आपकी तो हर नज़्म लाजवाब है साहब। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात में फुटपाथ पर नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मखीनों को खबर है न मकानों को खबर, उन दिनों की जो गुफाओं में गुजारे हमने। सिर्फ खाका था, जो सच पूछो तो खाका भी न था, जिससे ये कसर ये ऐवान उभारे हमने। हाथ ढलते गए सांचों में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। की ये दीवार बुलंद और बुलंद और बुलंद, बामुदर और जरा और संवारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शमों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शमों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। बन गया कसर तो पहरे पर कोई बैठ गया, बन गया कसर तो पहरे पर कोई बैठ गया। सो रहे खाक पर हम शोरिश तामीर लिए, अपनी नस नस में लिए मेहनत पैहम की थन, बंद आंखों में इसी कसर की तस्वीर लिए। अरे दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक, रात आंखों में खटकती है सिया तीर लिए। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पर नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। अच्छा खैर, 40,000 कर लीजिए। जी हाँ, 40,000। सोने की चिड़िया की कीमत सिर्फ 40,000? जी आप नहीं जानते हमारी कितनी बुरी हालत। खैर 50 कर लीजिए। नहीं साहब, हमारा आपका सौदा नहीं बटा। जी सुनिए तो। हाँ कैश बिल्कुल नकद निकालो भैया। बस सब दे दीजिए। ठहरिए, पहले खत लिखिए। हाँ, देवी के नाम। जी हाँ। अच्छा। ये लीजिए, अब आप तशरीफ ले जा सकते। थैंक यू, शुक्रिया। गेट आउट। ये तुमने क्या किया श्रीकांत? सौदा किया है भैया, ये देखो। अब तुम्हारी एसोसिएशन बहुत कुछ कर सकती है। ये लो इतना रुपया, इसकी रसीद लक्ष्मी देवी को पहुंचा देना। नहीं नहीं, हम तुम्हारी मोहब्बत के खून से होली नहीं खेल सकते, ऐसा नहीं हो सकता श्रीकांत। ये रुपया तुम्हें वापस करना पड़ेगा। मूर्ख न बनो मदन, जब दुनिया में लोगों को जीने तक का हक हासिल नहीं तो मुझे मोहब्बत करने का क्या हक है? जरा सोचो तो सही, इस रुपए से तुम देश की कितनी सेवा कर सकते हो। हजारों कलाकार जो तुम्हारे इस कॉलेज से शिक्षा हासिल करके निकलेंगे, देश में अपना नाम पैदा करेंगे, फख्र से मेरा सर ऊंचा हो जाएगा। मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी, तुमसे भी ज्यादा।
मुझे माफ करने की कोशिश करना। तू हमें अपना दुश्मन समझती है बेबी, बुरे वक्त में हम ही तेरे काम आएंगे। इसमें मेरा क्या दोष है दादा? शायद इस घर के नसीब में ही वीरानी लिखी है। कहती थी बच्चों को मैं पाल लूंगी, पगली। बच्चों को पालना मजाक है। जो अभी खुद बच्चा है वो भला बच्चों को क्या पालेगी? तुम समझते नहीं दादा मेरा रास्ता कितना कठिन है। एक मासूम बच्चे को अपने साथ घसीटने का मुझे क्या अधिकार है? मेरी फिक्र ना करो दादा, हर गांव में मेरा घर है। हाँ भैया, मुझे किस चीज की फिक्र है? कदम लड़खड़ा जाएंगे। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल दिया और तुमने कागज के टुकड़ों पर मुझे ठुकरा दिया। जा रहे हैं? कुछ रुपयों की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, आपके घर में रहने का किराया और चाहिए? ये लो, ये लो। अगर फिर कभी रुपयों की जरूरत हो तो देश भगत का ढोंगा जाके फिर आ जाना। मुझ जैसी भारतीय भागने इस मुल्क में मिल जाएंगी। आपने हमारे एसोसिएशन को दिया है, श्रीकांत जी ने कहा था उसकी रसीद आपको पहुंचा दें। रसीद? जी हाँ, ये लीजिए। कहाँ जा रहे हैं? मंजू बाबू, मुझे जाने दीजिए ना। अरे पगली, वो बड़ा चालबाज है, तेरी जिंदगी मिट्टी में मिला देगा। मुझे जाने दीजिए। अभी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। हट जाओ बदमाशो, ये मेरी बहन है। ये तुम्हारी बहन नहीं, हमारी बहन है। क्यों भाइयों? क्या बहन तुम? बदमाशो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हमारी बचाएगी? नहीं जा सकती। मेरा पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पांच साल का।
दादा वो कहाँ है? वो तो चले गए बिटिया। चले गए किधर? वो दाएं हाथ की सड़क पर मुड़ गए रहे। बिटिया अपना लोग और गहना ले जाओ। तुम ही जाते ना दादा। दादा अरहर की दाल लहसुन से ही बघारते हैं ना? हाँ हाँ बिटिया। लेकिन लक्ष्मी मेरा रास्ता बहुत निकल है। आपके साथ तो राह के कांटे भी फूल बन जाएंगे। और फिर आप ही ने तो कहा है कि रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम ना कर गर है बादल घनेरा किसके रोके रुका है सवेरा। रात भर का है मेहमान तेरा किसके रोके रुका है सवेरा।